मेरा विंडोज़ कंप्यूटर मैंने अभी थोड़ा मतलब उसको धूल भी जम जाता है तो वो चलता नहीं है बराबर। तो SSD ड्राइव लगा के थोड़ा फास्ट वाला करके उसको यूज़ करूँगा, स्पेशली NFT और ये वीडियो गेम के लिए। NFT के बारे में बहुत सारे लोग चल रहा है, NFT करोड़ों रुपए में बिक रहा है, लेकिन जो ये लोग NFT खरीद रहे हैं वो फोटो है कंप्यूटर जनरेटेड, और उसको वैल्यू कम्युनिटी के हिसाब से आता है। अभी बोर्ड एप क्लब और साइबर पंक, वो जो पंक पंक ही है शायद, साइबर पंक तो कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस है। सिर्फ वो क्लब कम्युनिटी में मेंबर बनने के लिए लोग खरीदते हैं उसको। और एक कौन सा तो NFT है, उसका मैंने टोकन खरीदा है, उसका नाम मैं भूल गया, मतलब तुम लोग ने भी खरीदा रहेगा क्योंकि मैंने बोला है, मैंने खरीदा, तुमको बोला भी था। तो वो लोग मेटावर्स बनाने वाले हैं, तो वो जिसने भी NFT खरीदा था उनको वो लोग ने टोकन दिए। तो एक्चुअली NFT एक फंड रेजिंग के लिए भी यूज़ होता है। मैं कुछ अभी नेटवर्क बना रहा हूँ तो मैं NFT निकालूंगा, लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए NFT खरीदेंगे और वैसा प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे। प्रोजेक्ट बनने के बाद टोकन मिलता है या NFT से एक कम्युनिटी में एक्सेस मिलता है। तो NFT इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग, और सेलिब्रिटी का फैन फॉलोइंग, उसका सिग्नेचर है, उसका ट्वीट का फोटो है, उसने बेचा ब्लॉकचेन पे $2 मिलियन को, तो वो अलग टाइप का कैटेगरी का NFT है। तो वो सेलिब्रिटी किसी को ज़्यादा पसंद है, वो बेसिकली ऐसा पैसा उड़ा रहा है। मतलब जैसा डांस बार में कोई अच्छा आइटम रहेगा तो वो पैसा उड़ाता है, वैसा है वो। तो अपने को जो वैल्यू वाला NFT है, ये जो गेमिंग के एसेट्स बनेंगे, और ये गेमिंग के एसेट्स बनाना मैंने देखा आसान है काफ़ी। सिर्फ वो उनका गेम मेकर टूल, एसेट मेकर टूल SDK यूज़ करते आना चाहिए। और क्योंकि अपन पहले ही गेम में शामिल है, ये बिग एक्सप्लोजन होने से पहले अगर अपन एसेट्स बना के रखते हैं, तलवार बना के रख दिया, ये लोग ने गेम मेकर टूल बनाया है, वो डाउनलोड किया, तलवार बनाया और एसेट भर के बेचने के डाला, ऐसे हजारों एसेट्स बना सकते हैं, वो बेचने को डाल सकते हैं। तो मार्केट में उछाल आने से पहले अपने एसेट्स उधर मार्केट में लिस्टेड है। और ये लोग कैसा मेटावर्स NFT मार्केट प्लेस रहेगा, अभी पबजी में मैंने कोई एसेट बनाया और वो एसेट दूसरे गेम में भी यूज होगा, इंटर कंपैटिबल वो एसेट्स बनाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट होगा, इसीलिए पहले ही अपन एसेट बनाने का टूल यूज़ करने को सीख गए, गेम मेकर टूल यूज़ करने का सीख गए। चलो अपन ने एसेट बना के डाल दिए, कुछ बिक नहीं रहा है, लेकिन जब मार्केट एक्सप्लोड होगा तभी कचरा भी बिकता है। जैसे क्रिप्टो मार्केट एक्सप्लोड हो रहा है, TCC कॉइन, MCAP, ये लोग का भी बड़ा मार्केट कैप हो गया था, तो एसेट्स सबके बिकेंगे। चलो अपना अच्छा एसेट रहेगा, वैल्यू आएगा, ये एक बहुत बड़ा मौका है पैसे कमाने का। गेम मेकिंग टूल यूज़ करके एसेट्स बना के मेटावर्स में गेम बना के, क्योंकि ये मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो इसमें अगर अपन पहले ही अपनी पोजीशन बना लेते हैं तो काफ़ी ऊपर जाएंगे। यही पार्ट है गेम का कि पहले कौन जाता है। बिटकॉइन जिसने खरीदा था वर्थलेस था, लेकिन वो लोग बिटकॉइन का विजन समझ पाए, कुछ सेंट्स का था बिटकॉइन, फ्री में मिलता था तभी ये लोग माइनिंग करते थे, 50,000 1 लाख बिटकॉइन है बहुत सारे लोगों के पास। तो अभी क्या है, वो लोग अरबपति लोग हैं, क्योंकि वो पहले घुसे थे। तो जो गेम में पहले घुसता है वो ज़्यादा माल कमा लेता है।
तो मेटावर्स एनएफटी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और अगर तुम गेम मेकिंग टूल यूज कर सकते हो, एसेट्स बना सकते हो, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, एसेट्स बना के रख दिया, बिकेगा तभी बिकेगा, बिकेगा पैसा आएगा, नहीं बिकेगा बिकेगा ही, क्योंकि अभी एनएफटी और गेमिंग में एक्सप्लोजन होने का बाकी, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है पूरी तरह से। और अगर इंटर ऑपरेटेबल रहेगा, एक गेम में तुमने एसेट बनाया वो दूसरे गेम में भी चलेगा, तो वो एसेट्स का वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है, वो एक गेम के साथ टाइप नहीं हो जाता है, वो किधर भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब वो वेस्ट नहीं जाएगा, जो भी वो एसेट खरीदेगा वो वेस्ट नहीं जाएगा, और वैसा करके एक बड़ा मार्केट प्लेस होगा, और जो पहले ही ये गेम में शामिल है वो एक बड़ा एडवांटेज के साथ एडवांटेज में रहेंगे।